नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देखेंगे कि शाला दर्पण में कार्मिक प्रविष्टि 3A के अंतर्गत विस्तृत विवरण प्रविष्टि में कर्मचारी की प्रविष्टि को कैसे किया जाएगा, उसमें जो विस्तृत विवरण जो प्रविष्टि है उसकी पूर्ति किस तरीके से की जाएगी, तो पहले आप देखेंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों। अगर आप मोबाइल में अपना वीडियो चला रहे हों तो मोबाइल में यहाँ पर ये मेरा वीडियो चल रहा है, आप आसानी से यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, इसको आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर पर वीडियो चला रहे हैं तो यहाँ पर ये कंप्यूटर पर वीडियो जो मेरा चल रहा है यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, इसको आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद में ये आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अपन देखते हैं कि कार्मिक प्रविष्टि 3A के अंतर्गत प्रविष्टि कैसे कर सकते हैं। मैंने इसके पहले ये ट्यूटोरियल जारी किया था, ये आपने ज़रूर देखा होगा 3A में कार्मिक प्रविष्टि कैसे करें। तो इसके अंतर्गत अपन ने यहाँ तक देखा कि कार्मिक की 3A में प्रविष्टि किस तरीके से करें, उस वीडियो को अपन ने कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि पर लाकर छोड़ दिया था। अपन यहाँ से आगे अपन इसमें कार्मिक की विस्तृत विवरण प्रविष्टि किस तरीके से करेंगे अपन, इसको देखेंगे अपन यहाँ से। तो आइए अपन देखते हैं। इससे पहले अपन एक बार कमेंट बॉक्स को चेक कर लेते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट आए हुए हैं। इसमें ये बताया गया है कि विस्तृत विवरण प्रविष्टि कैसे बने, प्लीज़ एक्सप्लेन बाय वीडियो। मतलब सर का कहना है कि शाला दर्पण में कार्मिक की विस्तृत विवरण प्रविष्टि किस तरीके से करें। कमेंट तो बहुत सारे आए हुए हैं मित्रों, लेकिन फिर भी जो अपने एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए अपन देखते हैं कि कार्मिक विस्तृत प्रविष्टि को किस तरीके से। इससे पहले अपन शाला दर्पण के डाउनलोड प्रपत्र में जाएंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि अपन को कौन सा प्रपत्र चाहिए। जैसे प्रपत्र 10 है जो कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि का, उसके बारे में उसमें डाटा जो भरे जाते हैं। तो अपन ये सारे प्रपत्र दिए हुए हैं, विद्यालय की SDMC ATG प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने हेतु प्रपत्र 14 है, विद्यालय में क्लिक कार्य लागू करने के लिए प्रपत्र 15, विद्यालय प्रोफाइल 11, इन्फेक्टर सिविल कार्य संबंधी 12 और विद्यालय संबंधी संस्था प्रधान सूचना प्रपत्र 1। मतलब सारी चीज़ें अपन को जो चाहिए वह प्रपत्र यहाँ पर है, जो विद्यालय का प्रोफाइल यानी कि शिक्षक के बारे में व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10, इसको अपन को फिल करना है। तो इसको यहाँ से अपन खोल लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस प्रपत्र को अपन अच्छी तरह से पढ़ के भर लेंगे, क्योंकि इस प्रपत्र में अपना व्यक्तिगत विवरण जो भरना है अपन को, उसके बाद में इस खाली प्रपत्र में भरने के बाद में अपन इसको ऑनलाइन करेंगे, इसलिए जहाँ तक हो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। दर्पण लॉगिन करने के बाद में ये आपके सामने होम पेज खुलेगा, उसमें यहाँ पर शिक्षक के कॉलम में जो है वह कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि पर अपन क्लिक, आपके सामने ये पेज खुलेगा। उसमें अपन आसानी से देख सकते हैं कि जिस कर्मचारी की अपन को डाटास भरने हैं उनका यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति का विवरण N बताएगा, जो रेड होगा यहाँ पर उसकी एंट्री नहीं की गई है, और जिन कर्मचारी की एंट्री की गई है वहाँ पर यस वाई यानी कि यस वो ग्रीन बताएगा, यानी कि अपन को इन कर्मचारी की एंट्रीज को फिल करना है। और प्रपत्र भरने के लिए अपन को जो जो भी एंट्रीज, इसमें 4-5 प्रकार की एंट्रीज हैं, इसमें जैसे 5 प्रकार की एंट्रीज मांगी गई, जैसे व्यक्तिगत विवरण है, शैक्षणिक योग्यता है, प्रशैक्षणिक योग्यता है, कार्मिक का सेवा विवरण है, और उसके बाद में अपन आसानी से इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो जैसे जैसे अपन भरते जाएंगे वैसे यहाँ पर ये जो रेड N है वो यस में ग्रीन यस में बदल जाएगा। इसमें प्रत्येक पंक्ति जैसे ही अपन फिलअप कर देंगे उसमें ये यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा Y यानी कि यस। तो अपन इसको प्रत्येक पंक्ति को फिल करके
प्रपत्र को भरने के लिए यहाँ पर एडिट के लिए क्लिक करें, प्रथम वाला पेज है उसका, वो खुल जाएगा आपके सामने, जो आपके पास में भरा हुआ भी है पहले से, जो अपने डाउनलोड पेपर निकाला है उसको भरा होगा आपने, तो उसको देख करके यहाँ पर अपन को डाटास भरने हैं, जैसे व्यक्तिगत विवरण का है, व्यक्तिगत विवरण के बाद में शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, कार्मिक का सेवा विवरण, और ये प्रक्रिया जैसे ही आप भरते जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे ये इन प्रोसेस होता जाएंगे। इसमें यहाँ पर ये एरोज जो बताया गया है वह, जैसे यहाँ पर ये रेड बट्टी है अभी वह व्यक्तिगत विवरण पर है, तो यहाँ से हट करके शैक्षणिक योग्यता पर ये चला आएगा, और उसके बाद में इस तरीके से प्रोफाइल जो आपका स्टेटस है वो 0% है वो यहाँ पर ग्रीन टिक बता देगा, और 100% होकर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इसको फिलअप कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपके पास में जो भरा हुआ कागज़ है उसको आप जैसे जैसे फिलअप करते जाएंगे वैसे सेव एंड नेक्स्ट करने पर ही ये आगे प्रोसेस करेगा। इसकी मुख्य विशेषता यही है, इसको आप आसानी से भर भी सकते हैं। मैं जो अपना विवरण उसके बाद में अपना